एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद अली और मैं गुंजल फिल्म में इरफान मसीह का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो इकबाल मसीह की स्टोरी से इंस्पायर्ड है और ये फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। मैंने अपना फर्स्ट ड्रामा किया था व्हेन आई वाज आई थिंक 7, मोहब्बत जाए भाड़ में। उसमें रेशम मैम थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ड्रामास किए, फिर अभी रिसेंटली मैंने फिल्म्स की 2-3, सावन, जावेद इकबाल और रावलपिंडी एक्सप्रेस जो अभी नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। सो इस फिल्म की जो मुझे ऑफ़र आई थी वो फसी बारी, तो उन्होंने शुएब अंकल को बताया था कि मोहम्मद अली, मेरे भाई भी एक्टर हैं फजल हुसैन, उनका भाई मोहम्मद अली, वो अब इस एज का हो गया होगा कि वो इस कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। तो इनकी मेरे पास कॉल आई थी आई थिंक 1.5 साल पहले। मैंने बोला कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, वो ऐसे ऐसे फिल्म है। मैंने बोला जी, कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं लूँ, तो आप मुझे अपना कुछ क्लिप्स भेज दें, कुछ हाइट वगैरह ये सब आप मुझे बता दें। तो मैंने उनको बताया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए बुलाया, स्क्रिप्ट सेशन रखा। सो हम सारे गए थे उसमें, वहाँ पे मैं उनसे मिला। सेट पे जब मौजूद होते थे तो शुएब अंकल मुझे यही बोलते थे कि अली, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले मुझसे आपने पूछना है कि मैं आपको गाइड कर दूँ। तो हक है हमारा आजादी, सारे मजदूर बच्चे स्कूलें पढ़ावेंगे। लेकिन जो आमना मैम है और अहमद सर है, वो बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत नाइस हैं। उसके साथ जो 2 लोग थे उसकी हिफाजत के लिए, किसने उन्हें रोका, तुमने? बहुत बहुत अच्छे थे साइड पे, मतलब ऐसे कि जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब जैसे एक फैमिली होती है, वो थे हम लोग साइड पे, बहुत मज़ा आता। मैं भी स्कूल जाना है। मेरे बाप ने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि सहाफत में जज्बात से नहीं, दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। आप बहुत अरसे के बाद मुझे सिनेमाज में देखेंगे। इस इन कई सालों में मुझे फिल्म्स तो ऑफ़र हुई हैं, आई वाज ऑफर्ड मेनी फिल्म्स, मेनी कैरेक्टर्स, बट नन इंस्पायर्ड मी एज एन एक्टर। तुम्हें ये मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सरवत का किरदार मैं गुंजल में, फिल्म गुंजल में प्ले कर रही हूँ, तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग औरत का कैरेक्टर है जो कि बहुत अथॉरिटेटिव है। तो शहबाज भट्टी जो कि अहमद अली अकबर इसको प्ले कर, मतलब इस रोल को अदा कर रहे हैं, तो मैं सरवत हूँ। हम दोनों का काम बहुत एक दूसरे के साथ है इस फिल्म में, ज़्यादा काम मेरा उनके साथ ही है। तो शहबाज भट्टी का रोल कर रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, ही वर्क्स फॉर मी, मेरे अंडर काम करते हैं, तो एक मंझे हुए एक्टर हैं अहमद अली अकबर, और मज़ा आया उनके साथ काम करके। माशरे का जहाँ हम इस माशरे का एक मैसेज हम दे रहे हैं आवाम को कि चाइल्ड लेबर की बात की, क्या चाइल्ड लोगों से, बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, जो छोटे हैं उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, तो वहीं ये फिल्म में आपको थ्रिलर भी मिलेगा, इस फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी। तो पूरा एक पैकेज है इस फिल्म के अंदर, जो कि तमाम जो एलिमेंट्स एक फिल्म में होते हैं वो आपको गुंजल में देखने को मिलेंगे। मैं शुएब सुल्तान के साथ लॉन्ग डिस्टेंस एक शॉर्ट फिल्म कर चुकी थी सी प्राइम की, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा काम का, तो मैंने हामी भरी, क्योंकि बहुत टैलेंटेड इंसान है, नई सोच रखते हैं, नया ख्याल रखते हैं। शायद मैं लकी हूँ कि मुझे थोड़ी सी, मैं हमेशा कहते हैं कि आई एम ब्लेस्ड वुमन, कि अल्लाह की तरफ से वो खुदादाद अता है कि मुझे एक, वो एक मेरी छठी हिस्स कहती है कि नहीं ये फिल्म कर लो, ये चलेगी। क्योंकि कंटेंट जब आपको स्ट्रांग मिलता है, कैरेक्टर आपका स्ट्रांग है, तो फिर आप मेहनत करते हैं। अहमद अली अकबर जो है उनकी वजह से तो मैंने फिल्म की है, कि फिल्म में हीरो बहुत थी, मैं फ़ैन हूँ इनकी। परिजात के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे इनके साथ काम करना है, मुझे फिल्म मिल गई और मैं लकी हूँ। तो आइए गुंजल देखिए और इसे सराहिए। आर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा इस फिल्म में 90s कैप्चर करने की कोशिश की है।